अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आज हमने अपने समर पैक का करना है पेज नंबर 58 डिवीजन। राइट ईच इन लॉन्ग डिवीजन एंड कंप्लीट। अब आप देखें, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन उन्होंने सोल्व भी किया हुआ एग्जांपल में आपके लिए। 6295 डिवाइडेड बाय 31 कैसे करेंगे, यहाँ पे देखें 31 है और नेक्स्ट वैल्यू फर्स्ट वैल्यू को पहले कंपेयर करो, 6 है, 6 छोटा 31 से, तो दो वैल्यूज ले लो 62। अब 31 का टेबल में देखें 62 कहाँ पे आता है, 31 का टेबल नहीं आता, 31 को 2 से मल्टीप्लाई करो, तो 31 टू ज़ा 62। इन्हें माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा, 2 में से 2 भी निकालें तो 0, 6 में से 6 निकालें तो 0। अब ऊपर से 9 नीचे उतार लेंगे, एक वैल्यू नीचे उतारें 31, 9 31 से बहुत छोटा है, तो हम पहले ऊपर 0 लगाएंगे उसकी जगह, फिर नेक्स्ट वैल्यू नीचे उतारेंगे 5। 31 को फिर टेबल से मल्टीप्लाई करो, 31 टू ज़ा 62 सर, 31 थ्री ज़ा 93, 5 में से 3 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2। यही आपका रिमाइंडर है। अब एक क्वेश्चन हम खुद सॉल्व करते हैं, 8706 को डिवाइड करना है 95 पे, कैसे करेंगे ये। आप फर्स्ट वैल्यू को अंदर रखेंगे, सेकंड वैल्यू को बाहर। अब 95 है, 95 के टेबल में देखें 8 बहुत छोटा है 95 से, दो वैल्यूज़ लूँगी तो 87 आ जाएगा, 87 भी 95 से छोटा है तो मैं 3 वैल्यूज़ लूँगी 870। अब 95 का आपने टेबल पढ़ना है, आप 95 को मल्टीप्लाई करते रहेंगे, पहले 2 से फिर 3 से आपने उसे मल्टीप्लाई कर देना है, तो आप जब तक आपका 870 नहीं आ जाता या 870 से छोटा। क्लियर है, तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे 95 9 के टेबल पे आएगा हमारे पास 855। अब देखें 10 में से 5 माइनस करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा 5, इधर से कैरी देने के बाद यहाँ पे रह गया 6, 6 में से 5 माइनस करूँगी तो 1, 15 आ गया। अब 15 भी 95 से बहुत छोटा है तो मैं 6 नीचे उतार लूँगी। ले रहा है, अब जब मैंने 95 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 95 को 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद आपका आएगा 190, 190 156 से बड़ा तो मैं सिर्फ 91 पे ही लिख दूँगी, 95 वन सा 95। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 में से 5 माइनस करूँगी तो मेरे पास 1 हो जाएगा। अब ये 5 है, नहीं हो सकता, ये कैरी से दे देंगे 15, 15 में से 9 माइनस करूँगी तो 6 61। तो यही आपका रिमाइंडर हो जाएगा। आपने इसी तरह से नीचे वाले भी दोनों क्वेश्चन सोल्व कर लेने हैं। अब नेक्स्ट आपने अपना पेज नंबर करना है 59, फाइंड आउट द एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। आपने एलसीएम फाइंड करना है प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए, कैसे करेंगे आप इसे, सबसे पहले सॉल्यूशन लिखें, उसके बाद देखें यहाँ पे एलसीएम बनाना, ये 3 का, 9 का, फिर 14 का और 18 का। क्लियर है, सबके फैक्ट आपने वो निकालनी है प्राइम फैक्टराइजेशन, 3 वन ज़ा 3, 9 पे करेंगे तो 3 3 ज़ा 9, 3 वन ज़ा 3, ये 14 2 के टेबल में आता है, 2 7 ज़ा 14, 7 वन ज़ा 7, ये 18 2 के टेबल पे आएगा, 2 9 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9 और 3 वन ज़ा 3। अब यहाँ पे आप लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 3 equal to 3, ठीक है, उसके बाद लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 9 equal to 3 multiplied by 3, फिर लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 14 equal to 2 multiplied by 7, फैक्टर्स ऑफ 18 equal to 2 multiplied by 3 multiplied by 3, यहाँ पे लिखेंगे कॉमन फैक्टर्स। अब देखें इनमें कॉमन क्या क्या है, 3 3 3, तो नहीं कॉमन, कॉमन का मतलब यह है कि ऐसी वैल्यू जो चारों में आती हो, यहाँ पे 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, बट इसमें नहीं है, अब नहीं है। अब इसके अलावा 2 भी है अगर, तो 2 में है नहीं है, 7 भी नहीं है, तो 3 एक ऐसी वैल्यू है, 3 भी ऐसी वैल्यू नहीं है, 3 भी यहाँ पे नहीं है, तो आपका यहाँ पे कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं आ रहा। अब इसमें आंसर आपके पास नहीं ला रहा है, कोई भी फैक्टर नहीं मिलता,
तो इस सूरत में आपने क्या कर देना है, लिख देना कॉमन फैक्टर्स आर नील। अब इसी तरह से आपने नीचे नेक्स्ट क्वेश्चन आपने सॉल्व करना है, ठीक है। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।